भारत में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है, जिसका नाम है एपी स्ट्रेन। ये वेरिएंट आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे N440 के वेरिएंट बुलाया जा रहा है। इसकी खोज की है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने। बताया जा रहा है कि यह वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फौजी ने भारत में कोरोना की स्थिति को अत्यंत खतरनाक बताया है। उन्होंने भारत सरकार से सेना सहित अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल तत्काल फील्ड अस्पताल के निर्माण में करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि ये सभी को पता है कि भारत की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। भारत को तत्काल जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो यह है कि आप देश में लॉकडाउन लगाएं और सेना की मदद ली जाए। कोरोना संकट के बीच देश में गहराती ऑक्सीजन की समस्या पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देश में जैसी स्थिति है उसे देखकर आप अंधे बन सकते, लेकिन हम नहीं, क्योंकि हम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों और कड़े बायो बबल के तहत आयोजित किए जा रहे IPL में भी इस वायरस की घुसपैठ के बाद टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया कि IPL को पूरे सीजन के लिए सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। राजीव शुक्ला ने कहा, IPL को सस्पेंड किया गया है, हम आगे देखेंगे कि इसे फिर से आयोजित किया जा सकता है या नहीं। इसे रद्द नहीं किया गया है, इसे बस अभी स्थगित किया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से ही हिंसा के कई मामले सामने आ रहे हैं। हिंसा में कम से कम 12 लोगों के मारे जाने के बाद गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने बंगाल BJP अध्यक्ष दिलीप घोष और ममता बनर्जी से मुलाकात की है। TMC नेता ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंसा के बाद जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि शांति बनाए रखें और BJP ने इस हिंसा के लिए TMC को जिम्मेदार ठहराया है। भारत की सीमा से लगे देशों में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। नेपाल, थाईलैंड सहित कई देशों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। ऐसे में सभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस समय कोरोना महामारी की वजह से कई देशों की आर्थिक स्थिति पर खासा दबाव देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बढ़ते संकट ने आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक समेत दक्षिण में कुछ राज्यों में लॉकडाउन ने मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों की रफ्तार कम कर दी है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट और बेरोजगारी बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। इस समय देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.10% है, जबकि रुकावटी रेट 82% से कम है। एक्टिव मामले बढ़कर 17% से ज़्यादा हो गए हैं। कोरोना के एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत दूसरे नंबर पर है। भारत में कोरोना वायरस से हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है, वहीं लाखों की संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में कुल 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ कोरोना से मौतों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। केंद्र सरकार के मुताबिक 10 राज्यों में कोरोना से मौत का दर 73.15% है। इन राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और झारखंड शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी ने UG, PG और PhD कोर्सेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार PhD के लिए 3 मई से 15 मई तक और UG और PG कोर्सेज के लिए 3 मई से 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को घोषणा की है कि मेन मई 2021 सेशन को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि COVID-19 की वर्तमान स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को सलाह दी कि वे आगे के अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में पत्रकारों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार वैक्सीन लगेगी। इसके साथ ही मीडिया दफ्तरों में भी कोरोना वैक्सीन लगेगी। योगी सरकार ने राज्य में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में डालने का फैसला किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में लॉकडाउन लगाने की जानकारी CM नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर दी है। अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फौजी ने भारत में कोरोना की स्थिति को अत्यंत खतरनाक बताया है। उन्होंने भारत सरकार से सेना सहित अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल तत्काल फील्ड अस्पताल के निर्माण में करने की सलाह दी है।
उन्होंने कहा है कि ये सभी को पता है कि भारत की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। भारत को तत्काल जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो यह है कि आप देश में लॉकडाउन लगाएं और सेना की मदद ली जाएं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इस समय में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है भारत को कोरोना की तीसरी लहर का सामना भी करना पड़े। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि अगर वायरस के संक्रमण को रोकना है तो पर्याप्त अवधि के लिए लॉकडाउन की जरूरत है। कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश में लगाई गई साप्ताहिक बंदी या मिनी लॉकडाउन का असर पर अब सरकारी राजस्व पर दिखने लगा है। शराब की बिक्री में आई कमी की वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब इस नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार ने शराब के दाम महंगे कर दिए हैं। शराब के दाम पर अब कोरोना से इस लगाया गया है। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस को लेकर हार्ड इम्यूनिटी पैदा होने की संभावना नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक अधिक से अधिक ये हो सकता है कि कोरोना वायरस संक्रमण एक ऐसी बीमारी हो जाए जिसे संभालना अभी की तुलना में ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस बात की संभावना नहीं है कि वायरस कहीं चला जाएगा, लेकिन हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ये एक हल्के संक्रमण का कारण बनकर रह जाए। एयर इंडिया एयरबस पायलट ने अपनी मैनेजमेंट को चेतावनी दी है कि यदि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोरोना के टीके नहीं लगे तो वो काम बंद कर देंगे। अभिनेत्री कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। कंगना ने लगातार कई ऐसे ट्वीट किए थे जिस पर काफी विवाद हो रहा है। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।